Hello friends, I am Randevi, your English teacher. Today we are going to study English chapter 6, The Wise Chief. Open your book. Once upon a time, there was a chief of a caravan. His name was Shaukat Ali. He was a wise and honest man. One sunny day, when he was relaxing in his tent, his friend Sundarban Singh came to visit him. Sundarban was a wealthy landlord and always carried a bag full of gold. Shaukat Ali welcomed his friend to his tent and requested him to stay for the few days. Sundarban accepted the invitation. Sundarban had a leather bag in which he was carrying 100 gold coins. He also had the habit of counting the gold coins every day. One day he found his leather bag missing. He went to Shaukat Ali and told him of the missing bag. Shaukat Ali promised to find his money bag as soon as possible. The chief called for his men and said, "A serious crime has taken place. Someone among you has stolen the gold of my guest. I can't tolerate this kind of behavior from my men. I will not spare the thief." एक बार एक समय एक कारवां के जो मुखिया थे वो उनका नाम क्या था? शौकत अली. वह बहुत बुद्धिमान और ईमानदार थे. एक बार दोपहर को जब वह अपने टेंट में आराम कर रहे थे तभी उनका एक मित्र सुंदरवन सिंह आया उनके पास आया. उनका उसका नाम क्या था मित्र का? सुंदरवन सिंह. सुंदरवन कैसा था? वो बहुत धनवान और वो जमींदार था. वो हमेशा एक बैग लिए रहता था सोने से भरा हुआ. शौकत अली ने उसका स्वागत किया अपने टेंट में और उससे रिक्वेस्ट किया, उससे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन उसके साथ वहीं टेंट में रुके. सुंदरबन ने उसका जो इन्विटेशन था, आमंत्रण था, वो स्वीकार कर लिया. सुंदरबन अपनी लेदर बैग के साथ में वहाँ पर के रुक गया. वो लिए रहता था उसमें कितने गोल्ड थे, गोल्ड के कॉइन थे 100 यानी कि 100. अपने पास वो ले के आया था 100 सोने के सिक्के. वह उसकी आदत क्या थी कि वो हमेशा जो सोने के सिक्के रखता था उनको गिनता रहता था. प्रतिदिन वह अपने सिक्कों को गिनता था. एक बार क्या हुआ कि उसने देखा कि उसका बैग मिसिंग है, खो गया है कहीं. उसने जा कर के शौकत अली से बोला. उसने कहा कि मेरा बैग मिसिंग है, कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है. शौकत अली ने प्रॉमिस किया कि जितनी जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी संभव होगा, वो उसका बैग पैसों से भरा हुआ जो बैग है पैसों का ढूंढ निकालेगा. द चीफ कॉल्ड फॉर हिज मैन एंड सेड, जो मुखिया जो था उसने अपने लोगों से कहा, उनको बुलाया और बोला कि ये एक सीरियस क्राइम, बहुत गंभीर अपराध है. अपने यहाँ पर जिस स्थान पर हुआ है वो अपराध कैसा है? बहुत गंभीर है. किसी भी व्यक्ति ने, आप लोगों में से जिसने भी उनका वो बैग चुराया है मेरे गेस्ट का, मैं उसको ये इस तरह का व्यवहार मैं सहन नहीं कर सकता, ख़ासतौर से अपने व्यक्तियों के द्वारा. जो उसका अपराध हुआ है, उसका बैग चुराया है, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, उस व्यक्ति को यानी चोर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. ही फर्दर एडेड, आई हैव प्लेस अ प्लेट इनसाइड द टेंट. ईच वन ऑफ यू विल गो इनसाइड द टेंट एंड टच द प्लेट. द प्लेट विल नॉट कैच द इनोसेंट मैन बट विल कैच द थीफ. उसने आगे क्या जोड़ा, उसमें जो बात कर रहा था उसने उसमें आगे जोड़ दिया कि मैंने एक टेंट के पास में प्लेट रखी हुई है, तो तुम लोग हमें से सभी एक एक करके वहाँ पर जाओ और टेंट के बगल में और उस प्लेट को छुओ. जो प्लेट होगी वो क्या करेगी, जो इनोसेंट होगा यानी कि निर्दोष होगा उसको नहीं पकड़ेगी, लेकिन जो चोर होगा उसको वह पकड़ लेगी. वन बाई वन द मैन वेंट इन टू द टेंट, टच्ड द प्लेट एंड केम आउट. एक एक करके सभी लोग टेंट के पास गए और उन्होंने प्लेट को छुआ और बाहर आ गए.
After all the men had obeyed his orders, he told them to sit a line. Then one by one he went to each man and took each man's palm and smelt it. बाद में सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करके आ गए। उसने ऑर्डर दिया कि सभी लोग क्या करें, एक लाइन में बैठ जाएं। इसके बाद में भाई एक एक करके सभी के पास गया और उसने सभी के हथेली को सूंघा, देखा ईच मैन एंड टुक ईच मैंस पाम एंड स्मेल्ट इट। उसने हथेली को देखा, क्या किया उसने, छुआ उसको, वो सूंघा उसको, सभी के हाथों को। तो एज ही केम टू द फिफ्थ मैन, जैसे ही वह पांचों व्यक्ति के पास गया, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, यू आर द थीफ, गो एंड ब्रिंग द कॉइंस अदरवाइज आई विल किल यू। जैसे ही पांचवें व्यक्ति के पास गया तो वह जोर से चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा? शौकत अली, कि तुम चोर हो। उसने बोला जल्दी से जाओ और जो कॉइन्स हैं सिक्के वह लेकर के आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। द मैन क्राइड, ही फेल ऑन हिज नीज एंड प्लीडेड बिफोर द चीफ। द चीफ टुक पिटी ऑन हिम एंड फॉरगिव हिम। द थीफ देन रैन एंड ब्रॉट द बैग ही हैड स्टॉलन। शौकत अली गेव इट टू सुंदरबन। वह आदमी चिल्लाने लगा, कौन चिल्लाने लगा, चोर चिल्लाया और अपने घुटनों पर बैठ करके वह विनती निवेदन करने लगा, इससे पहले कि चीफ कुछ करे। इसके पहले ही वह चीफ आना मुखिया, मुखिया कुछ करे, इसके पहले ही अपने घुटनों के बल बैठ गया और निवेदन करने लगा। चीफ को उस पर दया आ गई, उसने उसको माफ़ कर दिया। इसके बाद में चोर गया, दौड़ के गया जल्दी से और जो बैग उसने चुराया था उसको लेकर के आ गया। शौकत अली ने वह बैग सुंदरबन सिंह को दे दिया। आफ्टर द मैन लेफ्ट, सुंदरबन आस्क्ड शौकत अली हाउ ही केम टू नो हु द थीफ वाज। शौकत अली सेड दैट ही हैड स्प्रेड अ परफ्यूम ऑन द प्लेट। ऑल द मैन हु वर इनोसेंट टच्ड द प्लेट बट द थीफ डिड नॉट एज ही वाज स्केयर्ड दैट द प्लेट वुड कैच हिम। हेंस द हैंड्स ऑफ ऑल द अदर मैन स्मेल्ड ऑफ द परफ्यूम एक्सेप्ट द थीप्स। जब वो आदमी चला गया जो चोर जो था वह, इसके बाद में सुंदरबन ने पूछा शौकत अली से कि तुमने ये कैसे जान लिया कि ये चोर था। तो शौकत अली ने कहा कि मैंने उस प्लेट के ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर दिया था, सभी व्यक्ति जो निर्दोष थे उन्होंने उस प्लेट को छुआ था लेकिन चोर ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वह प्लेट के पास गया तो वो डर गया और पकड़ा गया, इसलिए वह सभी के हाथों से स्मेल आ रही थी परफ्यूम की, क्योंकि सभी ने प्लेट को टच किया था, ऐसा इसलिए चोर ने वो स्वीकार कर लिया क्योंकि चोर के हाथ से स्मेल नहीं आ रही थी। वर्ड वाइज, टॉलरेट यानी टू वियर, किसी बात को सहना। इनोसेंट फ्री फ्रॉम गिल्ट, जो निर्दोष हो। क्राइम एक्ट ऑफ आउटरेज, अपराध। वेल्दी रिचली, यानी कि अमीर जिसके पास अधिक पैसे। टर्न द पेज, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन, द नेम ऑफ द चीफ ऑफ कारवावाज। देयर आर थ्री ऑप्शंस, अहमद अली, कुरबान अली, शौकत अली। वी चूज शौकत अली एंड फिल। नंबर टू, सुंदरबन हैड ब्लैंक स्पेस गोल्ड कॉइन्स। देयर आर थ्री ऑप्शंस, ए 50, बी 100 एंड सी 200। बी चूज 100 एंड फिल। नंबर थ्री, देयर वाज ए ब्लैंक स्पेस इनसाइड द टेंट। द थ्री ऑप्शंस आर बेड, प्लेट एंड कप। बी फिल प्लेट फ्रॉम बी एंड फिल। नंबर फोर, द ब्लैंक स्पेस मैन वाज द थीफ। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फिफ्थ। बी चूज फिफ्थ, सी एंड फिल। पॉइंट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। शौकत अली प्रॉमिस्ड टू फाइंड हिज, इसमें हम क्या भरेंगे, मनी बैग, एम ओ एन ई वाई, मनी बी ए जी बैग, एज सून एज पॉसिबल।
नंबर टू द, इसमें हम भरेंगे CHIEF, चीफ, कॉल्ड फॉर हिज मैन एंड सेड ए, इसमें हम क्या फिल करेंगे, सीरियस क्राइम, SERIOUS, सीरियस क्राइम, CRIME, सॉरी क्राइम, हैज टेकन प्लेस। नंबर थ्री, समवन अमोंग यू हैज, इसमें हम क्या फिल करेंगे, स्टोलन, STOLEN, द स्टोलन द गोल्ड, GOLD, गोल्ड ऑफ माय गेस्ट। लास्ट वन, नंबर फोर, आई कैन नॉट, इसमें हम क्या फिल करेंगे, टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्पेलिंग BEHAVIOUR, बिहेवियर फ्रॉम माय मैन। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। नंबर वन, सुंदरवन सिंह वाज ए सिंगर, दिस इज फॉल्स बिकॉज ही वाज ए रिच लैंडलॉर्ड। नंबर टू, सुंदरवन काउंटेड हिज गोल्ड एवरी डे, दिस इज ट्रू। नंबर थ्री, टू मैन स्टोल सुंदरवन्स लेदर बैग, दिस इज फॉल्स। नंबर फोर, द थीफ वाज कॉट इन द एंड, दिस इज ट्रू। लास्ट वन, शौकत अली वाज अ वाइज मैन, दिस इज ट्रू। डी आंसर द फॉलोइंग, ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, लर्न ग्रामर। ए, राइट द वर्ड्स दैट गो टुगेदर, कप एंड प्लेट, इसमें फिल करेंगे प्लेट, PLATE, जो इकट्ठे, टुगेदर का मतलब एक साथ यूज़ किए जाते हैं, कप के साथ प्लेट यूज किया जाता है, कप एंड प्लेट। सेकंड नंबर, फ्रेंड एंड एनिमी, दोस्त और दुश्मन, ENEMY, एनिमी। नंबर थ्री, फेयर एंड डर्टी, DIRTY, डर्टी। नंबर फोर, थीफ एंड सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। नंबर फाइव, हाइड एंड सीक, जैसे लुका लुकी का अपन लुका छिपी का खेल खेलते हैं, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। पॉइंट बी, राइट द प्लूरल्स ऑफ दीज वर्ड्स, कारवां का प्लूरल कारवां ही रहेगा, सेम स्पेलिंग लिखना है। इसके बाद कॉइन, कॉइन में हम एस ऐड कर देंगे, कॉइन्स हो जाएगा, COINS, कॉइन्स। थीफ, थीफ में THIEF, थीफ है, इसमें हम क्या करेंगे, VES, इसको जोड़ देंगे, थीव्स हो जाएगा, एफ हटा करके, एफ को हटा के एफ की जगह BES जोड़ देंगे, थीव्स। नंबर फोर, फ्रेंड में एस ऐड कर देंगे, फ्रेंड्स हो जाएगा, FRIEND S, फ्रेंड्स। MAN, मैन, इसमें हम स्पेलिंग इसमें चेंज कर देंगे, MAN है ना, ए की जगह हम ई कर देंगे, मैन, MEN, यानी कि बहुत से लोग, मैन माने एक आदमी और मीन माने बहुत सारे लोग। थैंक यू।